नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जो है मेरे पास अभी एक फ़ोन है, वो है रियलमी का रियलमी वन फ़ोन। और इस फ़ोन के अंदर जो है आप देख ही सकते हैं पिन लॉक लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है आज हम अनलॉक करके दिखाएंगे, वो भी मिरेकल बॉक्स होगा तो बॉक्स से भी होगा, या तो क्रैक है आपके पास तो क्रैक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो अपने फ़ोन को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लिया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। और इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों यहाँ पे जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी में जो होता है, क्या मान लीजिए इस फ़ोन को जो है अंदर से बूट कराना होता है, यानी एक रेजिस्टेंस के माध्यम से, जो कि रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके। और देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इसको रहने दिए हैं ताकि मान लीजिए फिर से हम इसी तरह से बैठा दें, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है रेजिस्टेंस, तो इसको जो है इस तरह से शॉर्ट करना होगा। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद जो है आपका फ़ोन जो है मिरेकल से कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, करते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सबसे पहले तो एक काम कर लेना है आपको, फ़ोन को इस तरह से यहाँ इसको रिमूव कर लेना है। और यहाँ पे हम सोल्डिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि सोल्डिंग करने के बाद जो है रेजिस्टेंस जो होता है वो ख़राब हो जाता है और फ़ोन भी डेड हो जाता है, तो यहाँ पर दिक्कत थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पे तो हमें सिंगल ही बूट कराना है, तो सिंगल हम वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, बैटरी को कर लेना है रिमूव, फिर से लगा देना है इस तरह से। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, वो ये कि फ़ोन को जो है अपने डाटा केबल से कनेक्ट कर लेना है। सॉरी, डाटा केबल से कनेक्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे डाटा केबल को कर देना है यहाँ से रिमूव, ताकि मान लीजिए बाद में आपको डाटा केबल लगाना होगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो है फ़ोन को कर लीजिए कनेक्ट, यानी डाटा केबल इन कर लीजिए, कनेक्ट तो होगा नहीं अभी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब यहाँ पर दो आदमी का जरूरत पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम जम्पर नहीं लिए हुए हैं, देख सकते हैं ये लगा हुआ है। और तो दोस्तों, अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे और आपको दिखाते हैं कैसे करना है अपना मिरेकल। यदि आपके पास क्रैक है तो 2.82 क्रैक ओपन कर लीजिए, या नहीं है तो मिरेकल बॉक्स है तो मेरा बॉक्स ओपन कर लीजिए। अगर यदि आपके पास दोनों में से कोई भी नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आपको जाना है, यहाँ पे कुछ भी छेड़ना नहीं है, नीचे यूनिवर्सल में आना है और ओप्पो रियलमी वन पे क्लिक करना है। ठीक है, ओप्पो रियलमी वन पे क्लिक करने के बाद जो है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको ओप्पो रियलमी वन सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक कर लेना है। और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे रीसेट मोड मेटा मोड में है, वहाँ से क्लिक करके नीचे एडवांस एफआरपी पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे नो कर देना। ठीक है, और पहले जो होता था फ़ोन ओपन नहीं करना पड़ता था दोस्तों, लेकिन अब नया सिक्योरिटी में जो आया है फ़ोन, उसे ओपन करके ही आपको बूटेबल कराना होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे फ़ोन मेरा कंप्लीट यहाँ पे जो है वेटिंग फॉर यूएसबी पोर्ट का जो है शो कर रहा है। अब जो है आपको यहाँ पे करना क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अब हम इसको जब शॉर्ट करेंगे उस समय जो है डाटा केबल इन करना है। ठीक है, इन, तो यहाँ पे नहीं लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कर लिए हैं सोल्डिंग ही, क्योंकि नहीं शॉर्ट कर पा रहे थे, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था सर्किट लगा करके, तो हम यहाँ पे कर लिए हैं। थोड़ा आपको भी सोल्डिंग जो है करना है थोड़ा सा बचा के। ठीक है, और इसको हमें निगेटिव में कहीं भी शॉर्ट कर देना है जब हम कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको फिर से कर लेते हैं उसी मोड में, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों सोल्डिंग करने में।
लेते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों कुछ इस तरह से कनेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से रखना है, वायर को आपको रिसोल्ड कर लेना है ताकि निगेटिव रखे तो बूट हो सके। और यहाँ पे फिर से उतना ही प्रोसेस करना है जो पहले किए थे, वो रियलमी वन को सेलेक्ट करके एडवांस एफ आर पी में फॉर्मेट करना है, स्टार्ट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर नो कर लेते हैं। नो करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर हम इसको इस तरह से शॉर्ट करके और डाटा केबल इन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कनेक्ट हो चुका है, अब हम छोड़ देते हैं, देखिए क्या हो रहा तो दोस्तों यहाँ पे जो है हो चुका है फॉर्मेट। और हम आपको चेक करवाते हैं, देखते हैं फ़ोन में क्या हुआ है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये जो टेस्ट पॉइंट है उसे रिमूव कर लेना है। यहाँ पे जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आपसे डायरेक्टली एफ आर पी भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा टफ है बट सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम ये नहीं रिमूव किए थे, सिर्फ यहाँ से जंपर लेकर के कर लिए थे। अब यहाँ पे हम इसको इसी तरह से फिर से बैठा देते हैं ताकि मान लीजिए वो हीट सिंक कुछ रहता है वो भी आईसी हीट होने से बचता है तो वो भी लगा रह जाता है। अब हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं फिटिंग। तो यहाँ पर हम कर लिए हैं फिटिंग, एक काम करते हैं इधर भी, चलिए अभी रहने देते हैं, पहले फ़ोन को कर लेते हैं ऑन, क्या हुआ है देखते हैं। चलिए फ़ोन थोड़ा सा समय लगेगा ऑन होने में, तब तक हम फ़ोन को यहाँ पे फिटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ समय तो लगेगा ही। तो दोस्तों फ़ोन जो है यहाँ पे ऑन हो चुका है, यहाँ से हम कर लेते हैं कंटिन्यू। इसका एफ आर पी तो पहले ही हम कर चुके हैं क्योंकि वहाँ पे जब ओके का कुछ ऑप्शन ओके कैंसिल का आया था तो वहाँ पे एफ आर पी का ही था, तो एफ आर पी भी हो चुका है। चलिए यहाँ पे अब नॉर्मली सा फ़ोन को हम कर लेते हैं, कुछ सेटअप है बस यहाँ से स्किप कर लीजिए, सॉरी स्किप कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ से स्किप यहाँ से स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप कर सकते हैं रियलमी वन का अनलॉकिंग यानी मिरेकल क्रैक 2.82 हो उससे भी होगा, उसमें भी एड है ओप्पो रियलमी वन, या तो आपके पास मिरेकल बॉक्स है तब तो जो वर्जन अभी चल रहा है वो चलेगा, ठीक है, जब का जो वर्जन रहता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसी दबाकर मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।